नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इस मैच को देखने के लिए दुनिया भर की भीड़ उमड़ती है। सभी लोग बेसब्री से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का वेट करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में का मैच काफी मजेदार होता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में विवाद के कारण 2013 के बाद कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं खेली गई। लेकिन अब एक खबर आई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में T20 सीरीज खेली जानी है। पाकिस्तानी उर्दू अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश इस साल T20 मैचेस की एक छोटी सी सीरीज खेल सकती हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ एक सीरीज खेलने का विचार कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने पहले तो इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें सीरीज के लिए तैयारी करने को कहा गया है। सूत्रों से खबर आई है कि दोनों टीमों में 3 मैचों की T20 सीरीज हो सकती है और उसके लिए 6 दिन के विंडो की तलाश जारी है। अखबार ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीरीज की शुरुआत होती है तो इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, क्योंकि पिछली बार जब 2012-13 में दोनों टीम्स के बीच में सीरीज हुई थी तो पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। यूं तो PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी ने कहा कि इस सीरीज को लेकर अभी तक किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है और ना ही इसको लेकर इंडियन बोर्ड ने उनसे बातचीत की है। तो दोस्तों, अब ये समय आने पर पता चलेगा कि दोनों टीम्स के बीच में सीरीज खेली जाती है या नहीं। लेकिन अगर खेली जाएगी तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा जब ये सीरीज दोनों टीम्स के बीच में होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देखो सबसे पहले। धन्यवाद।